नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां विगत कुछ दिनों पहले जिला में हुई विभिन्न घटनाओं में शामिल सभी शातिर अपराधियों को पकड़कर पुलिस ने एक घटना का उद्भेदन कर दिया। कई आपराधिक मामलों का खुलासा करते हुए समस्तीपुर पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटी गई 3 पिकअप वाहन, 2 देशी कट्टा, कई कारतूस और मोबाइल भी बरामद किया गया है। अपराधियों ने इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे वह लोग वाहन चालक को अपने झांसे में फंसा कर यह गिरोह उन्हें किसी पेय पदार्थ या खाने की चीज में नशा की दवा खिलाकर उनका वाहन लूट लेते थे और इस लूटी हुई गाड़ियों का उपयोग शराब जैसे अवैध कारोबार में किया जाता था। एसपी विकास वर्मन ने जानकारी देते हुए बताया कि यही गिरोह मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में पेट्रोल पंप पर लूट, एक फाइनेंस कंपनी में लूट, मुसरी गारी में पूर्व जदयू एमएलसी विनोद चौधरी के वाहन चालक को नशा खिलाकर वाहन की लूट समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इन अपराधियों से पूछताछ के बाद और भी कई संगीन मामलों के खुलासा होने की संभावना जताई गई है। गिरफ्तार सभी अपराधियों को आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोग अखबारों में निकला था कि एक पूर्व एमएलसी महोदय हैं, उनके ड्राइवर के साथ नशा का खुरानी करके उसको लूटा गया है, वो गिरोह भी पकड़ाया है और उसके साथ में दवा जो प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद हुआ। इस तरह से टीम के द्वारा सफल 2-3 कांडों का जो वैशाली और समस्तीपुर में हुआ था उसका उद्भेदन किया गया। कितने लोग टोटल पकड़े हैं? कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, रविंदर राय, राहुल कुमार, कंचन सिंह, अनुज कुमार और सूरज कुमार। इनके पास से क्या मिला? इनके पास से देसी कट्टा 2, जिंदा कारतूस 315 का 10, 3 बोलेरो गाड़ी, पिकअप गाड़ी, 1 पल्सर गाड़ी और 6 मोबाइल बरामद हुआ है। और भी मामले में खुलासा होने की संभावना है? हाँ, जैसे मुफस्सिल के 2 कांड है, जंदाहा का एक चोरी का पिकअप का एक मामला है, मुसरी घरारी में एक नशा खुरानी कर एक घटना हुई तो वो मामला है, नगर थाना में पल्सर बाइक चोरी हुई थी वो एक मामला है और बेनीपट्टी मधुबनी में भारत फाइनेंस कंपनी से लूट हुई थी उस मामले का खुलासा हुआ। एक गाड़ी